हुक्स लॉ ये बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब क्या, जैसे एग्जांपल ये स्टील स्केल या स्पेसिमेन, इसके ऊपर अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ, हम लोग इसको देख सकते हैं, जब मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ इसका शेप चेंज हो रहा है, यानी जब जैसे ही मैंने लोड अप्लाई करना चालू किया इसके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, ये मटेरियल लोड को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब ये लोड को रेजिस्ट करता है इसमें स्ट्रेस आ रहा है और जो शेप चेंज होते हुए दिख रहा है हम लोग को, उसको स्ट्रेन बोलते हैं। तो इलास्टिक लिमिट मतलब क्या, जैसे ही मैंने लोड अप्लाई किया, मैं लोड हटा दे रहा हूँ तो ये अपने ओरिजिनल शेप पे वापस आ रहा है, तो इसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना ज्यादा मैं लोड अप्लाई करूंगा, यानी जितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा इसमें स्ट्रेन आ रहा है, यानी उतना ज्यादा इसका शेप चेंज हो रहा है। तो यही कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। और उधर से अपने को फॉर्मूला मिलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट जाता है, एक कैपिटल ई आता है जिसको हम लोग कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर यंग्स मॉड्यूलस भी बोलते हैं।